जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास जो स्टार्ट होने जा रहा है उसमें हम किसी ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे। हमारे पास ऑडियो के अंदर बड़ा बड़ा कीमती डेटा पड़ा हुआ है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम क्या करते हैं कि कुदरती मनाजिर या जस्ट एक इमेज लगाकर और उसके पीछे वो ऑडियो चला सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने अपने YouTube के चैनल बनाए हुए हैं इसी चीज को लेकर। मिसाल के तौर पर डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा है ना, उनका ऑडियो के अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल है, वीडियो से ज्यादा। उनका ऑडियो में तकरीबन सैकड़ों क्या हजारों घंटों में उनका मटेरियल जो है ना वो पड़ा हुआ है, क्योंकि वो बहुत साल से लगी है। तो पहले सीडियों का जब जमाना होता था, जब ये यूट्यूब वगैरह इतना नहीं था, सीडीज उनकी चलती थी, उनके पूरे पूरे दोराए कुरान और इस तरह मतलब दुरूस हदीस के फुलां 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 वो सब ऑडियो डाटा पड़ा हुआ है। अब लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर साहिबा के वो जो ऑडियो है ना उसको काट काट करना, उसके छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं, मुख्तलिफ उसमें से मौजूआत निकाल कर अपने चैनल्स बनाए हुए हैं लोगों ने, और जनाब पैसा कमा रहे हैं, सब्सक्राइबर ठीक ठाक इकट्ठे किए हैं। और फिर ऐसे डाटा के ना कोई कॉपी राइट्स भी नहीं होते, जो चाहे यूज करे, क्योंकि उन्होंने तो कोई पाबंदी लगाई नहीं है। तो वो आप इस तरह के बहुत सारे उलमा हैं हमारे के जिनका ऑडियो में बहुत ज्यादा डाटा जो है ना वो मिल जाता है। खुतबा हमारे मौजूद हैं बहुत सारे जिनका ऑडियो में बड़ा डाटा पड़ा हुआ है। तो लोग फिर इसी तरह करते हैं कि तस्वीर लगाकर एक थंबनेल बनाकर ना खूबसूरत सा, तो उसके ऊपर ऑडियो ऐड कर लेते हैं और उसके क्लिप काट काट कर जो है ना वो अपलोड करते जाते हैं, और जनाब वो अच्छे खासे व्यूज, अच्छी खासी जो है ना वो अर्निंग लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है अगर ये इंसान करना चाहे तो। हमारे उलमा का बहुत ज्यादा डाटा ऑडियो के अंदर हमें मतलब MP3 फॉर्मेट में मिल जाता है, क्योंकि यूट्यूब तो ये अब चंद साल से शुरू हुआ ना, इससे पहले हमारे ऑडियो CDs हमारी चलती थी। MP3 का डाटा नेट पे बड़ा पड़ा हुआ है, वो आप डाउनलोड करके ऑडियो तो उसको कटिंग करके उसमें से टुकड़े निकाल कर शॉर्ट क्लिप्स वगैरह आप बना सकते हैं। तो उसी का एक मैं आपको एक डेमो देने जा रहा हूँ कि हम कैसे कैपकट जो है ना इसको हमने ओपन किया, न्यू प्रोजेक्ट लिया, हमने इसमें क्या करना है, वो जो इमेज हमने बनाई है ना फोटो, मैंने एक ये फोटो बनाई थी हमारे एक वो जानने वाले, उन्होंने मुझे कहा तो मैंने उनके लिए ये एक थंबनेल बनाया। फर्ज करें ये एक थंबनेल मैंने बनाया है, ठीक है जी, ये मैंने एक थंबनेल बनाया है, ठीक है, ये दर दर से हदीस है जी। अब ये इमेज मैंने बनाई है, अब हम इसके ऊपर हम ऑडियो लगाएंगे, ठीक है। ऑडियो तो क्या करना है, आप ये देखिए जो नीचे टाइमलाइन है इसके नीचे ऐड ऑडियो का बटन लगा हुआ है, ऐड ऑडियो, इसको ऐड ऑडियो करेंगे तो ये चार ऑप्शंस हमारे पास आती हैं। राइट साइड से देखें, पहला है रिकॉर्ड का, इससे आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप बोलें वो रिकॉर्ड हो जाएगा और वो इस इमेज के साथ अटैच हो जाएगा। दूसरा है एक्सट्रैक्ट, यानी आपके पास कोई वीडियो पहले से मौजूद है, आप उसमें से ऑडियो यूज करना चाहते हैं, किसी वीडियो में से कोई, लोगों तो ये सॉन्ग शोंग वगैरह ही करते हैं, तो आपके पास कोई वोकल्स हैं, कोई नशीद हैं, कुछ भी ऑडियो वीडियो पड़ी हुई है आपके पास, तो वो आप लगाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर से ऑडियो को निकाल लेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये तिलावत है ना, हम इसको करते हैं, फर्ज करें इम्पोर्ट ऑडियो, आप देखें उसने क्या किया है, मैं इसको प्ले करता हूँ, आपको पता नहीं आवाज आ रही है या नहीं, मुझे तो आ रही है। तो ये उसने क्या किया है, उस तिलावत को निकाल कर ये नीचे ऐड कर दिया है, ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, ये पहला हो गया रिकॉर्ड, दूसरा हो गया एक्सट्रैक्टेड, यानी आपने किसी वीडियो में से ऑडियो निकालनी है और वो यहाँ ऐड करनी है। तीसरा है इफेक्ट्स, ये आपकी इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ये यानी आपकी जो आवाज होती है ना, आवाज उसके ऊपर जो है ना ये इफेक्ट्स लगाता है,
यानी जैसे वो नहीं होते वॉइस चेंजर होते हैं, जैसे बच्चे की आवाज, औरत की आवाज, हॉल, ये वो, और इको वगैरह, ये वो चीजें होती हैं, वो आप इसकी देखिएगा। लेकिन ये भी फर्स्ट टाइम आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, अभी ये इंस्टॉल नहीं हुए, एक दफा डाउनलोड करने पड़ेंगे ये। एक दफा आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे देखिए, इनमें से कोई भी अभी तक डाउनलोड नहीं है। वैसे भी मैंने आज ही ये कैपकट ने इंस्टॉल किया, तो ये जो इफेक्ट्स हैं ये एक दफा आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो आखिरी वाला ऑप्शन है वो है साउंड्स का। साउंड्स में एक तो साउंड्स उन्होंने पहले से दिए हुए हैं, ये ऊपर देख रहे हैं, ये पोप बीट, ये वो वी लोग, ये कुछ साउंड्स जो है ना, ये जो आमतौर पर यूज होते हैं विलोग्स वगैरह में, आप देखते हैं लोग विलोग बना रहे होते हैं ना, तो उसमें बोल भी रहे होते हैं और बीच में जो गैप्स वगैरह आते हैं उनमें वो पीछे जो है ना वो साउंड्स वगैरह भी लगा देते हैं, ठीक है, साउंड्स वगैरह पीछे लगा देते हैं। तो वो ये सारे हैं, ये भी अभी डाउनलोड नहीं है। तो ये राइट साइड पर जो डाउनलोड का बटन आ रहा है, इसको एक दफा यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, आइंदा फिर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे देखें, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा जी, यहाँ पर एक तो ये ऊपर साउंड्स हैं, सॉन्ग, ये मतलब ऑडियोज हैं, छोटी छोटी सी होती हैं ये। उसके बाद नीचे ये स्टार एक बना हुआ है, यानी आपके जो फेवरेट साउंड्स हैं वो यहाँ होंगे, ये भी रिकमेंडेड उन्होंने कुछ दिए हैं, ये टिकटॉक वगैरह से वो निकालते हैं साउंड वगैरह। उसके बाद थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, ये है आपका फोल्डर जो बना हुआ है, इसमें एक्सट्रैक्टेड जो फोन्स हैं, जो साउंड्स हैं जो आपने निकाल के वीडियोस में से रखे हुए हैं, और ये है फ्रॉम डिवाइस, दूसरा नंबर पर आ रहा है फ्रॉम डिवाइस। अब जब आपने फ्रॉम डिवाइस किया तो आपके डिवाइस में जितनी भी ऑडियोज हैं MP3 फॉर्मेट में, वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी, आपके मोबाइल में जितनी भी ऑडियोज हैं वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या करना है, फर्ज करें ये एक मेरा वो वोकल है, मैं वीडियोस के पीछे कभी लगाता होता था, आप इसको करेंगे प्लस, तो देखिए उसने नीचे वो साउंड जो है वो ऐड कर लिया है। फर्ज करें ये दरस ही था, जैसे कि कारी साहब का दरस बनाया है हमने, तो दरस है, आप देखें वो दरस नीचे ऐड हो गया, वो ऑडियो नीचे ऐड हो गई है, वो प्ले होगी, देखिए भी आपको पता नहीं आवाज आती है नहीं आती। अच्छा, आपने करना अब क्या है, ये हमारी जो इमेज हमने ऐड की थी वो तो सिर्फ इतनी है, लेकिन ये हमारा जो लेक्चर है वो तो आगे तक है, तो आप क्या करेंगे इसको खींच के आखिर तक ले जाएंगे, जहां तक आपकी ऑडियो है, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप एंड तक जो है वो अपनी ऑडियो तक, जहां तक आपकी ऑडियो है वहां तक इस तस्वीर को खींच कर ले गए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो तैयार हो गया, वीडियो तैयार होगी, बस इसको आप अब सेव कर लें यहाँ से, ये सबसे टॉप राइट पर जो बटन होता है इसको सेव करने का, वहां से। तो देखें आपने क्या किया, इमेज के साथ ऑडियो अटैच कर दी है। तो ये बहुत मतलब आसान काम है, कि आपके पास कोई भी ऑडियो है आप उसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पीछे तस्वीर लगाएं और ऊपर ऑडियो लगाएं और इसको अपलोड कर दें। एक और तरीका, आप ये तस्वीर नहीं लगाना चाहते, ये दरसे हदीस, ये कारी साहब, ये वो, आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं पीछे कोई वीडियो लगा दूं, ठीक है, लेकिन वो वीडियो की आवाज ना हो, सिर्फ वीडियो हो और ऊपर हमारा ये बयान चले, ठीक है। उसके लिए क्या है कि जब हमने जैसे ये की थी, इसकी जगह पर आप वीडियो डाउनलोड वीडियो कर लें, ये जैसे इमेज लगाई थी ना तो उसकी जगह आप वीडियो लगा लें। लेकिन ये जो इमेज है, मैं जब इसको डिलीट करता हूँ ना तो वो डिलीट नहीं कर रहा, वो कह रहा है कीप एटलीस्ट वन क्लिप, यानी आपका कोई क्लिप है ही नहीं तो ये ऑडियो किसके ऊपर चलेगी, इसलिए वो इसको डिलीट नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर प्लस, ये जो प्लस का निशान नहीं नजर आ रहा आपको, यहाँ यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई वीडियो लेकर आते हैं, ये मसलन एक वीडियोज में मैं जाता हूँ, यहाँ पर कोई वीडियो है,
फर्ज करें यहाँ कोई वीडियो, ये एक तिलावत की वीडियो है लेकिन ये सारी लंबाई में है। ये एक वीडियो है फर्ज करें, ठीक है, ये एक तिलावत की वीडियो है। इसको मैं ना वो करता हूँ, इसका साइज इसको करते हैं जी क्रॉप में जाकर, एडिट में जाकर इसको मैं ये कर लेता हूँ फर्ज करें। बस एक हमने सीखना ही है ना, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये वीडियो आई है ना, अब इस मैं वीडियो को प्ले करूंगा, आप देखें इस वीडियो का अपना साउंड। ये जो लड़का ये तिलावत कर रहा है, ये तिलावत की भी आवाज है और नीचे हमने वो दरस भी लगाया था ऑडियो। अब ये दोनों ऑडियोज इकट्ठी हो गई हैं, दरस की अपनी ऑडियो है और ये जो वीडियो लड़का बोल रहा है इसकी अपनी ऑडियो है। अब हमने करना, मैंने आपको बताना ये था कि हम क्या करेंगे कि इस वीडियो को हमने इसकी आवाज को बंद करना है, हमें सिर्फ ये वीडियो चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ ये वीडियो चाहिए। तो हमने क्या करना है, इस वीडियो को सिलेक्ट करके आप सबसे लेफ्ट साइड पर देखें लिखा हुआ है म्यूट क्लिप ऑडियो, इसको आपने प्रेस कर देना। अब क्या हो गया है कि ये जो वीडियो है ना, ये लड़का तिलावत कर रहा है, इसकी वीडियो की आवाज बंद हो गई है, इसकी आवाज नहीं हमें हम यूज कर रहे। हम आवाज कौन सी यूज कर रहे हैं, जो नीचे हमने ऐड की हुई है, नीचे आपको नजर आ रही है ना ब्लू कलर की, जो ये ऑडियो हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह करते हैं आप। अब आमतौर पर इसके लिए छोटे छोटे पार्ट्स जो है ना वो ऐड किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा लोगों ने वीडियोस बनाई होती हैं, एक मौलाना साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो गुफ्तगू करते हैं ना वैसी वैसी वीडियोस चलती हैं साथ साथ, जैसी जैसी वो गुफ्तगू कर रहे हैं वैसी वैसी वीडियोस जो है ना वो बदलती रहती हैं या तस्वीरें बदलती रहती हैं बार बार। तो वो आपने ऐसे ही करना है यहाँ से ही, मतलब वो तस्वीरें आपने, ये जैसे ये वीडियो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तस्वीरें जो है ना वो आपने ऐड करती जानी, करते जानी करते जानी। मैं इस तरह का मैंने भी किसी कुछ साल दो पहले ना एक क्लिप बनाया था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत जानो, यानी तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, ठीक है, बड़ा जवानी को बुढ़ापे से पहले, और तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, और जिंदगी को मौत से पहले, इस तरह। तो वो उसको मैंने क्या किया था कि अपनी आवाज लगाकर ना, तो वो पीछे सारी तस्वीरें लगाई थी, यानी जब बीमारी दिखाई तो बीमारी की जगह मरीज दिखाया, सेहतमंदी दिखाई तो सेहतमंद एक शख्स जो है वॉक कर रहा है, ठीक है, और इसी तरह फुर्सत और मसरूफियत, जिंदगी और मौत, सब चीजों की तस्वीरें मैंने एक दफा इकट्ठी करके, और वो मैंने हदीस रिकॉर्ड की, पहले वो 2 मिनट की या 1 मिनट की हदीस थी, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली पहले ऑडियो, और इस तरह फिर उसके अंदर मैंने इमेजेस जो है ना वो मैं ऐड करता गया। वो यही ऐसे ही ऐड करनी है, यहाँ से प्लस पे जाना है तो ये फोटोज में जाना है, फोटोज में आपने वो फोटोज जो है ना वो जो भी रखी हुई है वो ऐड करती जानी है, करती जानी है, ठीक है। या आप देखें, आप एक एड बनाते हैं, फर्ज करें आपके पास, आप प्रोफेशनल काम करते हैं, तो कोई आपको कहता है कि मुझे, मैंने ना क्या किया है, मैंने एक पिज्जे की शॉप ओपन की है, यानी एक क्या कहते हैं इसको, फास्ट फूड का एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, मुझे इसका 30 सेकंड का एड बनाना है। इतने छोटे ही होते हैं एड, जो टीवी पे कमर्शियल चलते हैं वो इतने ही होते हैं, 30 सेकंड का, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है, 30 सेकंड का एड मुझे बना कर दें, वो कोई आपको कहता है, तो आप क्या करेंगे उस एड में, होती तो पीछे से आवाजें हैं ना, वो आवाज अलग से रिकॉर्ड होती है, वीडियोस अलग होती हैं और इमेजेस होती हैं, ये तीन चीजों से मिलके जो है ना वो एड बनता है। एड एड आप कोई भी जो कमर्शियल आते हैं टीवी पे, उसमें ये तीन चीजें मिलकर ही बनता है एड। एक ऑडियो होती है, वो पीछे से बोल रहा, आवाज आ रही होती है, ठीक है, आपके और वो पीछे आवाज आ रही होगी, यानी जनाब पिज्जा मैक्स लाहौर का शानदार रेस्टोरेंट, जनाब ये वो, इस तरह पीछे से आवाज आ रही होगी, साथ आप क्या करेंगे, आप उसकी
जो है वो वीडियो के वहां से दुकान के शॉर्ट्स ले लेंगे थोड़े से वीडियो, और साथ आप तस्वीरें लगा लेंगे। फर्ज करें आप बोल रहे हैं कि शानदार पिज्जा, इस तरह आप बोल रहे हैं, वो आपने ऑडियो अलग रिकॉर्ड कर ली है, अब आपने ऑडियो के साथ वीडियो और इमेजेस अटैच करनी है। फर्ज करें पिज्जे की आपके पास यहाँ पर, ये मैंने कल ही वो क्लास में मैं पिज्जा की वो एड बनाया था, ये आपने पिज्जे की तस्वीर ऐड कर ली, ठीक है, वे देखें। अब आपने एड बनाना तो इमेज आपके ऊपर आ गई, आप पिज्जे के बारे में बात कर रहे हैं, सामने पिज्जा आ गया, आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ, मिसाल दे रहा हूँ, आप कहते हैं हमारे यहाँ पिज्जा और बर्गर और शवारमा ये फला फला चीजें मौजूद हैं, आप सबकी तस्वीरें जैसे जैसे बोलते जाएंगे आप अल्फाज, वो जो जो लफ्ज आप बोल रहे हैं उस चीज की तस्वीर आती जाएगी। तो आप क्या करते जाएंगे, आप प्लस के निशान पर क्लिक करते जाएं, अब एक बर्गर की तस्वीर, आप एक शवारमे की, हर चीज चीज की तस्वीरें आपने नेट से डाउनलोड कर लेनी है, और हर चीज की तस्वीर कैमरे से आपने खींच लेनी है। अगर आपने अपनी ही प्रोडक्ट की तस्वीरें खींचनी है तो आप तस्वीरें खींचते जाएं और वो साथ लगाते जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप कमर्शियल बना सकते हैं। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ, फर्ज करें एक दुकानदार आपको कहता है कि मुझे एड बनाना है अपनी दुकान का, तो आप कहते हैं कि हमारे यहाँ मर्दाना, जनाना और बचगाना वैरायटी मौजूद है, इस तरह आप एड, पीछे जो वॉइस ओवर होता है इसको वॉइस ओवर बोलते हैं, जो आवाज होती है, तो जैसे जैसे आपकी वॉइस आप बोल रहे हैं वैसे वैसे साथ, जब आपने मर्दाना बोला तो साथ मर्दाना कपड़े का, ठीक है, आप तस्वीर ले आए, वो अब तस्वीरें आपको बड़ी मिल जाती हैं, वो जो ये जो इमेज सर्च में यानी गूगल में आप जाकर सर्च कर सकते हैं, आप लिखें, फर्ज करें किसी ब्रांड का लिख लें, फर्ज करें जे डॉट है, ठीक है, कुर्ता लिखते, मैं सलवार कमीज लिखने लगा था, कुर्ता, ये जे डॉट का कुर्ता। जनाब आपने बताना है कि हमारे यहाँ जनाब ये मर्दाना जनाना ये फलाना फलानी चीजें मौजूद हैं, तो ये जैसे जैसे आप बोल रहे होंगे साथ साथ ये इमेजेस जो है ना वो चलती जाएंगी। तो आपने इमेजेस कहाँ से ऐड करनी है, ये इमेजेस आप नेट से सर्च कर लेंगे, आपको बहुत ज्यादा, आप इनको डाउनलोड कर लें इमेजेस को, तो आप क्या करेंगे यहाँ से इमेजेस को, फोटोज को आपने ऐड करते जाना है, साथ साथ आपका वॉइस ओवर चलता जाएगा। वॉइस ओवर कहाँ से ऐड करना है वो मैंने आपको बता दिया है, आपने वॉइस ऐड की और साथ आपने इमेजेस लगा दी, ठीक है। तो इस तरह से वीडियोस, अच्छा ये जो वीडियोस होती हैं ये भी नेट से मिल जाती हैं, ये जो शॉर्ट क्लिप्स होते हैं ना वो चंद सेकंड्स के होते हैं, चंद सेकंड्स के, तो वो उनको आप वीडियोस के अंदर यूज करते हैं। यूट्यूब के ऊपर एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है वीडियो क्लिप्स का, जो विदाउट साउंड होता है, उसमें आवाज नहीं होती, अगर आवाज हो भी तो आप म्यूट कर लेंगे, आपको मैंने बताया यहाँ से आपने उस वीडियो की आवाज को म्यूट कर लेना है और आपने अपना वॉइस ओवर चलाना है, ठीक है। मैंने ना ये कोई कुछ साल पहले, एक हमारे दोस्त है तो उन्होंने एक ऑयल वो सेल करते थे, बाल गिरने का उनका था वो, तो यानी जो बाल गिरते हों तो उसके लिए वो ऑयल था, तो ऐसे ही मैंने शुगल शुगल में ना मैंने कहा मैं तुम्हें ऐड बना के देता हूँ, मैंने उसको कोई ऐसे ही 1 मिनट से भी कम था, शायद 30 सेकंड का ही कुछ ऐड बना कर दिया, उसमें यही था, मैंने अपनी आवाज ऐड की कि अगर आपके बाल गिरते हैं, जैसे टीवी में कमर्शियल नहीं आते पीछे बोल रहे होते हैं अगर आपके बाल गिरना बंद ये वो इस तरह, उसमें मैंने क्या किया कि शॉर्ट्स कुछ नेट से डाउनलोड किए, ठीक है, और इसी तरह लड़कों की एक दो वीडियोस के छोटे छोटे से क्लिप ऐड किए जिसमें वो अपने बाल जो है ना वो यूं लड़का ऐसे बाल बना रहा था, फिर एक उससे पहले ये वीडियो ऐड की कि जिसमें एक लड़का बड़ा परेशान है, वो कंघी कर रहा है तो उसके बाल जो है ना वो गिर रहे हैं, कंघी के साथ सारे बाल गिर जाते हैं, तो अब इसी तरह का कमर्शियल बनाएंगे ना कि बाल गिरते थे पहले, अब शैम्पू इस्तेमाल की तो फिर बाद वो तेल इस्तेमाल किया तो बाद में बाल बंद हो गए गिरना, और जनाब उसके फिर बाद में दिखाया कि इतने बड़े बाल उसके अच्छे बड़े सिल्की नरम मुलायम बाल हो गए हैं जनाब, तो ये इस तरह के ऐड, तो ये ऐसे ही सारे ऐड बनते हैं कि आपने इमेजेस ऐड करनी है और शॉर्ट्स लेने हैं छोटे छोटे, वो सारे आपको नेट से मिल जाते हैं, और आप खुद भी जो है ना वो कैमरे के साथ मोबाइल के साथ खुद भी आप कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन आपने याद ये रखना है
आपने वीडियो यूज करनी है तो फिर आप किसी की वीडियो से कोई चीज चोरी नहीं कर सकते, वो फिर आपके ऊपर वो स्ट्राइक भेज देंगे, आपके चैनल चैनल को जो है ना वो मसला बन जाएगा, आपका चैनल जो है वो ब्लॉक भी हो सकता है। तो आपने किसी की वीडियो नहीं इस्तेमाल करनी है, ऐसे ही वीडियो वो इस्तेमाल करनी है जो कॉपीराइट फ्री होती है, क्योंकि जो भी बाकी जो वीडियोस हैं नॉर्मल, खासतौर पर जो मोनिटाइज चैनल होते हैं उनकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट होता है। अगर कोई किसी की वीडियो या उसमें से कुछ हिस्सा काट कर इस्तेमाल करता है, तो जिसका वो चैनल था ना जिसकी आपने वीडियो इस्तेमाल की है, वो आपके खिलाफ यूट्यूब को रिपोर्ट करेगा कि ये मेरी वीडियो थी, इसने मेरी वीडियो को इस्तेमाल किया है, तो वो आपके चैनल को ब्लॉक कर देगा यूट्यूब। तो आपने किसी जब भी कोई वीडियो डाउनलोड करके इस्तेमाल करनी है, पहले चेक करना है कि वो कॉपीराइट फ्री हो वो वीडियो। मैं आपको बताता हूँ उसका तरीकाकार ये होता है कि आप YouTube देंगे, फर्ज करें मसीह नबी, आप कहते हैं कॉपी राइट, ये देखें खुद भी खुद आ गए हैं, मस्जिद नबी नो कॉपी राइट वीडियो। आपने अपनी वीडियो के अंदर मस्जिद नबी की वीडियो लगानी है, लेकिन वो नो कॉपीराइट हो, उसका कोई कॉपीराइट ना हो, आप अपनी यूज करेंगे। ये देखें मस्जिद नबी की वीडियो आ गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें बड़ी खूबसूरत। ये मुझे याद पड़ रहा कि ये मैंने भी, एक हमारे दोस्त थे तो उन्होंने नात रिकॉर्ड की, नात वो ऑडियो थी वो, तो मैंने उसकी वीडियो बना कर दी उनको नात की, तो वो नात चलती थी और साथ ही पीछे वीडियो ये लगा दी। तो ये देखें ये नो कॉपीराइट है, मतलब आप इस वीडियो को देखें, इतनी खूबसूरत वीडियो है मस्जिद नबी की, आप इसको किसी नात के पीछे लगा दें, या इसी तरह करते हैं नातें होती हैं पीछे मस्जिद नबी की, उन्होंने वीडियो लगाई होती है तो वो खुद थोड़ी रिकॉर्ड करके लेके आते हैं वहां से, ये तो वैसे ये एरियल व्यू है, यानी ड्रोन से बना हुआ है, तो ये हर कोई तो कैप्चर कर भी नहीं सकता। तो ये इस तरह नेट से वीडियोज उठाते हैं और उनको अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा ना ये, मतलब ये नात चल रही होती है पीछे मस्जिद नबी की वीडियो आ रही होती है, तो ये इस तरह इन्होंने यूट्यूब से या और भी बहुत सारे टूल्स हैं, नेट भरा पड़ा है, पड़ा है, वेबसाइट होती है, मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहां से आप ये फ्री वीडियोज डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देखें मस्जिद नबी की इतनी लंबी वीडियो है, आप इसको किसी किसी नात के ऊपर इस्तेमाल करें, कोई दरस दरस है मसलन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर कोई बयान है, वो बयान पीछे चल रहा है और पीछे ये वीडियो जो है ना वो आ रही है, तो ये फ्री कॉपीराइट है, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया, इसको डाउनलोड कर लें आप और अपनी वीडियो के अंदर आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है? ये डाउनलोड कैसे करते हैं, यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने के कई ऐप्स हैं जिनसे आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने किया हुआ है स्नैप वीडियो, आप कहेंगे तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। इसका फायदा ये होता है कि ये मैं वीडियो पे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ ना, तो ये नीचे डाउनलोड का बटन आ रहा है राइट साइड पे डाउनलोड का, इसको मैं डाउनलोड को प्रेस करूंगा तो ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, ये डाउनलोड का बटन आपको नजर आ रहा है। ये स्नैप मेरे पास है, एक मैं दिखाता हूँ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्नैप ट्यूब, ये कैप कट के साथ आपको येलो कलर की आइकन नजर आ रही है, इसका नाम है स्नैप ट्यूब, इसके जरिए आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है, तो ये बहुत अच्छा यानी तरीका है कि आप वीडियो डाउनलोड करें उसके साथ अपनी ऑडियो अटैच करें। लेकिन मैंने फिर रिपीट कर दूं कि जो भी वीडियो आपने डाउन यूज करनी है वो नो कॉपीराइट होनी चाहिए, वरना अगर आप किसी की वीडियो लगा दी तो वो आपके ऊपर स्ट्राइक भेज देगा। देखें मसीह नबी की वीडियो बड़ी बड़ी खूबसूरत आपको मिल जाएंगी, देखें इसके पीछे आवाज भी है वैसे, लेकिन आप आवाज बंद कर दें, उस वीडियो को आप यूज कर लें, ठीक है जी? आपने नात लगानी है इसके ऊपर तो पीछे आवाज जो आ रही है वो आप उसको म्यूट कर दें, ये बड़ी खूबसूरत वीडियो इस तरह के, मतलब ये तो मस्जिद नबी की मैंने आपको मिसाल दी है ना, आपने किसी भी चीज की वीडियो आपको चाहिए अपनी वीडियो बनाने के लिए,
तो इस तरह से आप नेट से वीडियो क्लिप, शॉर्ट्स, छोटे छोटे होती है, छोटी छोटी आपको इस्तेमाल करनी होती है, क्योंकि आपने अपने मौजू से मुतालिक थोड़ा सा टुकड़ा ही आपको चाहिए होता है, पूरी वीडियो तो नहीं आपको चाहिए ना। जैसे आप एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, फिल्म आपको मैं मिसाल के तौर पर कोई दिखाता हूँ, शॉर्ट शॉर्ट फिल्म देखें, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये करते होता क्या है, ये सारी इधर वो टाइप की आ जाएंगी। अच्छा अब ये देखें, फर्ज करें ये जो छोटी छोटी सी ये शॉर्ट मूवीज होती हैं, ये जो लोग बनाते हैं ठीक ठाक, इनके सब्सक्राइबर लोगों ने अपने इकट्ठे किए हुए हैं। अब ये छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, अभी मतलब ये एक वीडियो है जो मैंने अब ओपन की है, ये फर्ज करें 7 मिनट की है, तो आप क्या समझते हैं कि ये 7 मिनट पूरे ये रिकॉर्ड करते रहे हैं? नहीं, एक छोटा सा शॉर्ट लिया, फिर कैमरा बंद कर दिया, फिर आगे गए दूसरी जगह पर, जगह देखी, सारा पहले ये प्लान होता है कि स्टोरी क्या होगी, पहले स्टोरी लिखी जाती है सारी कॉपी पे, फिर उसको उसके डायलॉग्स होते हैं कि फिर उसके लिए करेक्टर ढूंढे जाते हैं कि कौन सा जो कौन से करेक्टर के लिए कौन सा बंदा बेहतर अच्छा रहेगा, ठीक है, करेक्टर ढूंढे जाते हैं, फिर उनको फिल्माया जाता है यानी कैप्चर किया जाता है। होता उसमें यह है कि छोटे 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 शॉर्ट्स जो है ना वो कैप्चर किए जाते हैं और फिर बाद में उन सबको इकट्ठा करके ये अपना माइक ऑफ कर लें अपना, या आपका किसी का माइक जो है ना वो ऑन हुआ है, तो सर डाउनलोड होके तो वो यूट्यूब पे ही रहती है? नहीं, यूट्यूब पे नहीं रहती, ये आपकी गैलरी में आ जाती है, ये स्नैप ट्यूब जो है ना ये और सॉफ्टवेयर है, ये आप करेंगे तो फिर वो गैलरी में आ जाती है आपकी। मैं आपको दिखा देता हूँ करके, तो छोटी सी वीडियो ना, करें यही थी मसीह नबी की, ये मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है ठीक है, ये वो नहीं है। अच्छा, उसके लिए फिर आपको स्नैप वीडियो के अंदर से जाना पड़ता है। स्नैप ट्यूब, उसमें आपको यहां से YouTube यहां से खोलते हैं आप। तो मैं समझा कि शायद मैंने स्नैप ट्यूब ही ओपन की हुई है, तो आप यहां पर एक वीडियो लिखते हैं, मस्जिद नबी नो कॉपीराइट, हाँ जी ये देखें ये वीडियो आ गई है ना, अब इसका ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, यानी साइड पे देख रहे हैं, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड के लिए वो आपको ऑप्शंस देता है कि ये किस क्वालिटी की आपने डाउनलोड, अच्छा सिर्फ म्यूजिक भी, यानी सिर्फ उसकी ऑडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो की वो ऑप्शन दे रहा है कि ये 720 में HD में करनी है आपने, या 1080 में करनी है, या 360 में, ये तीन क्वालिटीज जो है ना वो उसकी अवेलेबल है, तो मैं जिसको सिलेक्ट करूंगा डाउनलोड करूंगा तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और आपकी गैलरी में आ जाएगी। ठीक है, ये स्नैप वीडियो है, स्नैप ट्यूब, मैं समझा था कि शायद मैंने वो ओपन किया हुआ है, तो ये यूट्यूब है, देखें ये स्नैप ट्यूब है, यहाँ से आप इसको प्ले भी कर सकते हैं और ये डाउनलोड का बटन नीचे आ रहा है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये मसीह नबी की वीडियो किसी ने बनाई, लोग खुद ही अपने शौक से बना लेते हैं और अपलोड कर देते हैं, इसको आप डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं, तो ये डाउनलोड का बटन है यहाँ पर, यहाँ से इसको आपने डाउनलोड करना है। ठीक है जी, तो ये ऑडियो के साथ
वीडियोस और इमेजेस लगाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अच्छा, अब एक आखिरी बात, क्लास का टाइम भी शायद ख़त्म होने वाला है, एक आखिरी चीज़ देखें। आपने एक और चीज़ देखी होगी, आजकल ये ट्रेंड चलता है कि एक मौलाना साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं और पीछे आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में पीछे नशीद चल रहा होता है या वोकल चल रहे होते हैं, कोई सैड सैड सही आवाजें पीछे से ऊँ आ रही होती हैं, इस तरह करके गुफ्तगू के पीछे पीछे बैकग्राउंड, उसको कहते हैं बैकग्राउंड वोकल्स या बैकग्राउंड साउंड जो भी, उसका देखें क्या तरीकाकार है। उसका तरीकाकार यह है कि जैसे आपने ये वीडियो एक चलाई हुई है, वीडियो ये में हम इसको खत्म करके नया नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, ठीक है, नया प्रोजेक्ट लेकर आए, वीडियो लेकर आए, ठीक है, ये फर्ज करें एक वीडियो है, ठीक है, ये एक वीडियो है, ये साहब बोल रहे हैं, ठीक है, अब आपने इसके अंदर जो है ना वो वोकल ऐड करना है, पीछे हल्का हल्का सा हुआ म्यूजिक, ये भी सारे नेट से मिल जाते हैं, बैकग्राउंड वोकल्स जिनको बोलते हैं, आप लिखें बैकग्राउंड इस्लामिक वोकल्स, इस्लामिक नशीद, लेकिन उसमें भी आपने याद रखना है कि नो कॉपीराइट वाले आपने डाउनलोड करने हैं, उसका भी कॉपीराइट होता है, अगर आपने किसी का नशीद अपने पीछे यूज कर लिया ना अपनी वीडियो में, तो वो आपको जिसका वो ऑडियो होगी वो आपको स्ट्राइक भेज देगा, आपका चैनल उड़ा देगा वो। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ऐड ऑडियो करना है, साउंड्स में जाना है, और यहाँ से जाके फ्रॉम डिवाइस, ये मेरे वोकल्स पड़े हैं, ये मैंने वोकल ऐड कर लिया, ठीक है, अब आप देखें मैं इसको चलाता हूँ। आपको आवाज पता नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही, ये पीछे मैंने नशीद ऐड किया अपनी और अपनी वीडियो के पीछे नशीद ऐड किया, लेकिन आपने देखा हुआ है अगर आपको आवाज आ रही हो तो होता ये है कि ऑडियो जो है, अब मेरी जो गुफ्तगू है उसकी भी आवाज आ रही है और नीचे जो साउंड है उसकी भी आवाज आ रही है, तो ना आवाज की समझ आ रही है उसकी आ रही है। फिर इसका तरीकाकार ये होता है कि आप ये जो वोकल है इसको सिलेक्ट करें, ये जो मैंने नीचे नशीद निकाल लगाया है इसकी आप सिलेक्ट करें और इसका वॉल्यूम जो है ना वो कम कर दें, अब ये 1000% है, आप इसको बहुत कम कर दें, इसको तकरीबन 20% मतलब ये देखें, इसको 20 कर दें। इसका मैंने क्या किया है, अब जो मेरी ऑडियो मेरी वीडियो जो चल रही है, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी आवाज 100% है, लेकिन ये जो मैंने पीछे नशीद लगाया है इसका मैंने वॉल्यूम 20%, उसका वॉल्यूम आहिस्ता कर दिया है। अब होगा ये कि गुफ्तगू बंदे की जो है वो भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी और पीछे आहिस्ता आहिस्ता सा नशीद चलता रहेगा, वो जरा लोगों को अच्छा लगता है। तो जरा फिर ये भी होता है कि खासतौर पर कोई इमोशनल वीडियोस होती हैं, कुछ इस तरह के मौजूआत होते हैं इमोशनल किस्म के, तो पीछे ये इमोशनल सा बैकग्राउंड जो है ना वो लोगों को ज्यादा ज्यादा असर करता है। तो उसका करना क्या है कि उसका वॉल्यूम हमने बहुत कम 20% या 10% कर देना है, अगर उसका वॉल्यूम बहुत तेज होगा तो वो बंदे की तो आवाज ही नहीं समझ आएगी जो गुफ्तगू कर रहा है, तो पीछे उसका वॉल्यूम कम करके हम ये बैकग्राउंड वॉल्यूम साउंड जो है ना वो लगा देते हैं। ठीक हो गया, बाकी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो वो आप कर सकते हैं, असाइनमेंट मैंने उस दिन आपको दी थी तो अभी तक किसी ने भी नहीं बनाकर भेजी, तो ये एक और असाइनमेंट आपने ऐड कर लेनी है अब, क्योंकि ये असाइनमेंट्स आपकी इकट्ठी होती जाएंगी, जो करता रहेगा उसका वो उसका फायदा है, जो नहीं करेगा फिर वो उसको इकट्ठी आखिर में करनी तो है ही, यानी कोर्स के एंड तक ये जितनी भी असाइनमेंट्स आपको दी जा रही हैं साथ साथ ये आपकी पेंडिंग में जमा होती रहेंगी, इसके बगैर आपकी जान नहीं छूटेगी, करनी तो आपको पड़ेंगी ही, साथ साथ करते रहेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा कि जो चीज़ सीखते हैं साथ ही उसकी प्रैक्टिस आप कर लें, वरना फिर ये इकट्ठी होती जाएंगी चीज़ें, फिर एक ही दफ़ा सारी जब आपको बनानी पड़ेंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आप कोशिश करें कि साथ साथ ही असाइनमेंट्स बनाते जाएं। तो आज की जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि आपने एक छोटा सा एड बनाना है, ठीक है, एड बनाना है जिसमें आपने, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपको मैं YouTube से कोई ऐड दिखाता हूँ, फर्ज करें पिज्जा, फर्ज करें ये देखें, ये 40 सेकंड का पिज्जे का ऐड है, ये देखें,
इसमें तो खैर बहुत ज्यादा वीडियो है, ये तो वीडियो करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं ऐड जो है ना वो इतनी देर के ही होते हैं सारे, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ये तो खैर वो वीडियोज हैं बड़ी। ऐड जो है ना वो यही 30 सेकेंड का, 40 सेकेंड का, इतने 1 मिनट से कम ही होते हैं ऐड। तो आपने एक ऐड बनाना है, इसमें आपने पीछे वॉइस लगानी है, अपना वॉइस ओवर करना है, अपना कर लें, किसी से करा लें, कोई जो अगर आप फीमेल्स हैं, आप कहती हैं कि नहीं हमने अपनी आवाज नहीं लगानी, तो घर में किसी और की आवाज, किसी भाई की, किसी की लगा लें, वॉइस ओवर उससे रिकॉर्ड करा लें, और इस तरह पिज्जे की तस्वीरें ले लें, पिज्जे की वीडियोज ले लें, यूट्यूब से वीडियोज लें, इमेजेस लें गूगल से डाउनलोड करें, और आवाज अपनी पीछे लगाएं, और इस तरह एक एड बनाकर किसी भी चीज का एड बनाएं, 30 40 सेकंड का, 1 मिनट का एड बनाएं। ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है? मकसद ये देखना है कि क्या आप वॉइस के साथ इमेजेस और वीडियोस को अटैच करना आपको आ गया है, ठीक है? एक ही जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें आप इमेजेस, एक